दोस्तों ये जिला जंग है और यहाँ के लोगों के पास तफरी के मकाम बहुत कम हैं। अस्सलाम फ्रेंड्स, मेरा नाम आयान और आज मैं आई हूँ आप लोगों को चनाब रिवर दिखाने। ये ब्रिज जबरदस्त ट्रेन के लिए यूज होती है जहाँ से अब ट्रैफिक नहीं गुजरती। ये दरिया की मिश्रिक वाली साइड है जहाँ पे पानी बहुत कम है और जिस ब्रिज पे हम आपको खड़े होकर दरिया दिखा रहे हैं ये अंग्रेजों ने बनाई थी। और लोग तो कहते हैं ये ब्रिज अब गिरने वाली है लेकिन हम फिर भी आए खड़े हैं। इस दरिया की दूसरी साइड पे बहुत ज़्यादा पानी है और वो मैं आपको नई ब्रिज से जाके दिखाता हूँ। ये ब्रिज है तो काफ़ी पुरानी लेकिन यहाँ के लोगों को ये बड़ा अच्छा नज़ारा पेश करती है। अब हम न्यू ब्रिज की तरफ आए हैं और यहाँ से टर्न लेकर नीचे दरिया की तरफ जाते हैं। इस जगह पे पहले फिश की 2-3 शॉप थी, अब वो बंद हो गई है शायद शराब की वजह से। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ आए हैं तो सबसे पहले आपको सनसेट ऑन द रिवर दिखाते हैं। दोस्तों ये जिला जंग है और यहाँ के लोगों के पास तफरी के मकाम बहुत कम हैं, इसलिए ये मकाम बहुत लोगों का फेवरेट है। गाइस, अब बात करते हैं इस ब्रिज की। मेरे ख्याल में तो इसकी लैंड पुरानी ब्रिज से कम है क्योंकि इसके नीचे कोई ड्राई लैंड नजर नहीं आ रही और मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी ब्रिज अभी भी इससे मजबूत है। बातें बड़ी हो गई, अब लगी है भूख, तो चले आपको यहाँ के फूड पॉइंट्स दिखाएं। ब्रिज से बड़ा तो टूल प्लाजा बना दिया यहाँ पे और ये भाई तो पैसे लिए बगैर जाने ही नहीं देता। आज ये सारी फिश की दुकानें बंद पड़ी हैं, शायद ये लोग शराब की वजह से चले गए हैं। इस शहर पे शॉप्स खुली हैं, यहीं पे लोग के खाना खाते हैं। बस अब फिश के कांटे बचे हैं और तो कुछ नहीं बचा। अब आई थिंक चलना चाहिए हमें। दोस्तों गर्मी का मौसम है इसलिए तीखे के बाद थोड़ा ठंडा और मीठा तो होना चाहिए। तो हम यहाँ तस्कीम भाई के पास आए हैं तो इनकी आइसक्रीम बड़ी अच्छी होती है। इसी के साथ अल्लाह आप सबको भी तस्कीन दे। अल्लाह हाफिज़।